कहा जाता है कि यदि इंसान कुछ करने की ठान ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती तथा राह में कोई भी मुश्किल उसके आड़े नहीं आ सकती। कुछ ऐसी ही सोच के साथ मेरठ जनपद के मवाना क्षेत्र के गांव सतीना निवासी आयुष वरदान ठाकुर निकल पड़ा है अपनी 11,000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं मवाना क्षेत्र के गांव सतीना निवासी युवक आयुष वरदान ठाकुर की, जो सोमवार को गांव में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पैदल ही निकल पड़ा है अपने 11,000 किलोमीटर लंबे सफर पर। अपनी यात्रा के दौरान आयुष सर्वप्रथम उत्तराखंड के चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ जाएगा तथा यह यात्रा पूरी करने के बाद वह जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा रामेश्वरम की भी यात्रा करेगा। इसके अलावा आयुष द्वारा 8 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी सफर के दौरान की जाएगी। इस प्रकार आयुष का यह सफर कुल 11,000 किलोमीटर लंबा होगा तथा इस सफर को आयुष ने अकेले ही पैदल करने की ठानी है। सोमवार को जब आयुष अपनी यात्रा पर रवाना हुआ तो उससे मिलने हेतु आसपास के क्षेत्र से काफी लोग उसके गांव पहुंचे तथा सभी लोगों ने आयुष का उत्साहवर्धन करते हुए उसके सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आयुष के अनुसार 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरा करने में उसे 1 वर्ष के लगभग का समय लगेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आयुष वरदान ठाकुर ने बताया, आप जो यात्रा कर रहे हो ये कितनी और कितनी किलोमीटर की और कहाँ कहाँ की यात्रा करोगे? ये यात्रा है 11,000 किलोमीटर की। जोर से बोलो। यात्रा है 11,000 किलोमीटर की जी। मैं इससे पहले उत्तराखंड के चार धाम करूँगा जी, फिर इससे मैं भारत के चार धाम करूँगा जिसमें बीच में 8 ज्योतिर्लिंग पड़ेंगे जी, मैं उन्हें पूरे करूँगा जी, फिर मैं घर आऊँगा। ठीक, लगभग कितने दिन का टूर होगा आपका ये पैदल यात्रा का? साल भर। साल भर। ठीक।